प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं एक आपको होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को आपको मुझे करके दिखाना है, यानी कि आप मुझे वो होमवर्क करके फ़ोटो भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8769446638, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको वो होमवर्क करना है और मुझे इस नंबर पर भेजना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये पूर्णांक संख्या क्या होती है उसे समझेंगे। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो पहले ये समझ लेते हैं। ऐसी संख्या, ठीक है, जिसमें बीच में तो जीरो हो, जीरो के दाईं तरफ सारी प्लस की संख्या हो, प्लस की एक, प्लस की दो, प्लस की तीन, प्लस की चार, ऐसे करके बहुत सारी संख्या, 100, 1000, 1,00,000, सारी कैसी संख्या, प्लस की, और अनंत संख्या, ये अनंत का निशान है, ठीक है। और जीरो के बाईं तरफ सारी माइनस की संख्या है ना, आपने पढ़ी होगी ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक -1, -2, -3, -4, ऐसे -100, -1,000, -1,00,000, ऐसी सारी संख्याएं भी क्या होती है, माइनस की अनंत संख्याएं होती है। तो ऐसी संख्याओं को बेटा हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जीरो के इस तरफ वाली संख्याओं को हम धनात्मक या प्लस की संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धनात्मक। अब इनको संख्या नहीं बोलना, इनको बोलना पूर्णांक, क्या बोलना, पूर्णांक। तो इधर हो गया धनात्मक पूर्णांक, और जीरो के इस तरफ वाली संख्या क्या हो गई, ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसमें हमें समझना क्या है, इसमें समझना ये है कि इनकी जोड़, बाकी, गुणा और भाग कैसे होते हैं, ठीक है। आपने जो पहली से पांचवी कक्षा तक, पहली से जो पांचवी कक्षा तक जोड़, बाकी, गुणा, भाग सीखा है वो तो आपको आना ही चाहिए, इसके साथ आपको पूर्णांक संख्याओं की जोड़, बाकी, गुणा, भाग भी आनी चाहिए। तो इससे पहले ये आए हमें क्या सीखना होगा, इनका योग। सबसे पहले क्या सीखना होगा, इनका योग, इनका योग कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं का योग, यानी इनको कैसे जोड़ा जाए। तो इसको सीखने के लिए हमें ज़रूरत होगी संख्या रेखा की, योग सीखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, संख्या रेखा की। अब देखो संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा, तो संख्या रेखा एक प्रकार की रेखा ही होती है, ये मैंने एक लंबी रेखा खींच ली, ठीक है। इस तीर का मतलब है ये दाईं ओर अनंत तक जा रही है, और इस तरफ तीर का मतलब ये बाईं ओर अनंत तक जा रही है, बीच में आपके क्या है, जीरो। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक ग्रुप बनाया, वैसा ही ग्रुप यहाँ पर बनाना है, तो बीच में क्या है, जीरो। फिर निश्चित दूरी है ना, सबकी निश्चित दूरी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर ये एक यूनिट होता है, यहाँ पर होगा एक, फिर इतनी ही दूरी पर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, ऐसे हम अनंत नंबर बना सकते हैं इस पर, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए बेटा, निश्चित होनी चाहिए। फिर जीरो के दाईं ओर, बाईं ओर जो है सारी संख्या कैसी होगी, माइनस की होगी। यहाँ पर भी जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यहाँ पर भी होनी चाहिए। फिर ये -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ भी माइनस की कितनी संख्या होगी, अनंत संख्या होगी, 50, 100, 1000, ऐसी प्लस की और माइनस की संख्या इस संख्या रेखा पर होती है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको योग करना सिखाऊंगा, कैसे योग होता है, फिर उसके बाद में मैं आपको होमवर्क दूंगा। जैसे मैंने कहा कि इस ये सभी क्या है, पूर्णांक, इधर तो है धनात्मक पूर्णांक और इधर क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो जो है वो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, यानी जीरो न तो प्लस का है न ही माइनस का है, ठीक है। अब जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, पहला उदाहरण देखो, मैंने कहा एक प्लस की संख्या लो, मैंने कहा दो एक प्लस की संख्या लेगी, फिर मैंने कहा अब धनात्मक संख्या ही आपको लेनी है, मैंने कहा अब आपको लेना है प्लस के पाँच, मैंने एक दूसरी संख्या ले ली प्लस की पाँच, अब मुझे इनका क्या करना है, योग करना है,
तो मैं इनके बीच में क्या निशान लगाऊंगा बेटा, प्लस का निशान। तो अब आपको क्या करना, देखो जीरो है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जीरो से पहले कितना चलना है, दो चलना है, तो ये एक, फिर ये दो, कहाँ पर आ गए हम, दो पर आ गए। फिर दो के बाद में ये कह रहा है आपको कितना चलना है, अब पांच चलना है, तो यहां से पांच कदम चलने हैं, तो एक दो तीन चार और पांच, तो छह के बाद यहाँ पर कितना आएगा बेटा, सात आएगा। तो इन दोनों का योग कितना हुआ, सात हुआ। इन दोनों का योग कितना हुआ, सात हुआ, ठीक है। एक उदाहरण और लेता हूं मैं, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि ये प्लस की संख्या थी तो हम प्लस की ओर जाएंगे, अब माइनस की संख्या लेंगे तो माइनस की ओर जाएंगे। तो ये आपका पहला उदाहरण हो गया। अब मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं, जैसे मैंने कहा माइनस एक में आपको माइनस तीन जोड़ने, और जोड़ने हैं तो यहां पर किसका निशान आएगा बेटा, प्लस का निशान आएगा, ठीक है। अब मैंने कहा पहले आपको माइनस एक चलना है, चलना हमेशा कहां से है, जीरो से चलना है, तो जीरो से पहले आप चलोगे माइनस का एक, ठीक है। तो माइनस का एक में चल लिया, फिर उसके बाद में आपको कितना चलना है, माइनस के तीन कदम चलने। तो अब क्या करना है, यहां से आपको तीन कदम चलने, यानी एक दो और तीन, यानी अब हम चलेंगे माइनस का एक, माइनस का दो और माइनस का तीन। तो हमारा उत्तर कितना आया बेटा, माइनस का चार आया, कितना आया, माइनस का चार। तो अगर प्लस वाली संख्या है तो आपको इधर चलना है, और माइनस वाली संख्या है तो आपको इधर चलना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दो एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। चलो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको होमवर्क डालेंगे, ठीक है। तो तीसरा उदाहरण लेता हूं मैं, मैंने कहा आपको दो में, यानी इसके आगे कोई निशान नहीं, मतलब प्लस का निशान है, ठीक है। दो में आपको दो जोड़ने, ठीक है, और यहां पर मैं प्लस का निशान लगाऊंगा क्योंकि मुझे इसको जोड़ना है। तो आपने क्या किया, पहले जीरो से, अब कैसा है ये दो, प्लस का, तो हमें किस तरफ चलना है, दाई ओर चलना है। तो आप पहले दो चलोगे, ये एक और ये दो, दो चले, उसके बाद में दो कदम और चलना है, यानी यहां से दो कदम और चलना है, तो ये एक और ये दो, ये किस पर आया, चार पर, यानी इसका उत्तर कितना आया, प्लस का चार। अब चौथा उदाहरण ले रहा हूं, दोनों माइनस के लेने हैं, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे संख्या रेखा बनाकर भी कर सकते हो। अब आपको मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा माइनस का पांच, और उसमें आपको माइनस एक क्या करना है, जोड़ना है, यानी इसका क्या करना है, योग करना है। तो अब आपको क्या करना, देखो पहले आपको कितना चलना, माइनस पांच। अब माइनस की संख्या किधर है, इस तरफ है, तो जीरो से इस तरफ चलना है आपको, तो ये एक दो तीन चार और पांच, तो ये माइनस पांच चल गए। अब आपको कितना चलना है, माइनस का एक, यानी पांच में आने के बाद अभी भी माइनस है, तो माइनस की ओर ही आपको चलना है। तो आप एक कदम और चलेंगे तो यहां पर कितना आएगा बेटा, माइनस का छः। तो एक कदम और चलेंगे क्योंकि माइनस का एक हमें जोड़ना है। तो अब उत्तर कितना आया बेटा, माइनस का छः आया, ये आ गया माइनस का छः। तो अब आपको जो है मैं कुछ आठ प्रश्न दूंगा, वो आठ प्रश्न आपको करने, लेकिन ये प्रश्न गलत नहीं करने, है ना। अगर प्लस वाली संख्या है तो आपको इधर चलना है, और माइनस वाली संख्या है तो आपको इधर चलना है। फिर मैं आपको इस उदाहरण को सरल करके नियम बताऊंगा, वो नियम याद रखना है, ठीक है। चलो इसको करते हैं, आपको मैं होमवर्क देता हूं, कितने होमवर्क, आठ होमवर्क, चलो ठीक है। पहला, दो प्लस सात, दूसरा तीन प्लस पांच, ये संख्या रेखा बना के करना है ना। फिर तीसरा उदाहरण, सात प्लस नौ, चौथा उदाहरण है पांच प्लस आठ, छठा उदाहरण। अब माइनस के लेते हैं, माइनस का दो प्लस माइनस का तीन, माइनस का छः प्लस माइनस के आठ, माइनस का तीन प्लस माइनस के छः,
यहाँ पे पांच आ गया ना, पांच छः सात, और ये कितना हो जाएगा आठ, माइनस का 3 प्लस माइनस के 7। तो ये आपको होमवर्क करना है, कैसे करना है, संख्या रेखा से। चलो सबसे पहले मुझे होमवर्क करके कौन बताता है,